अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। यखनी पुलाव के लिए हमें जो चीज़ें दरकार है उसमें हमें चाहिए 1 किलो गोश्त, और उसमें यखनी में मसाले जो डालते हैं उसमें हमें चाहिए 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 ही टीस्पून धनिया साबुत, और 2 अदद दालचीनी, लहसुन, और थोड़ा सा प्याज, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, थोड़े से लौंग 3-4 अदद, और 3 अदद ही हमें सब्ज़ इलायची, काली मिर्चें और नमक। नमक टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने चावलों में भी ऐड करना है और उसमें भी। ये सारे मसाले हम अब इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी ऐड करने के बाद हम इस चटनी को बनाते हैं। तो ओके, ये देखिए व्यूवर्स, हमने अब इसको रख दिया है पकने के लिए। हम इसको प्रेशर में पकाएंगे। तो मेरे पास लैम्प का गोश्त है, तो जो लैम्प का गोश्त होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है। ये जस्ट 3 मिनट या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, लेकिन आपके पास अगर बकरे का और या शीप का गोश्त हो तो उसको अगर प्रेशर में डालें तो प्लीज़ 10 मिनट तो ज़रूर उसको दीजिएगा, या 8 मिनट प्लीज़। तो ओके, अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, ऊपर से डाल देंगे और हम इसका बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। यखनी हमारी रेडी हो रही है, तो मैं आपको बताती हूँ। हमें 1 किलो चावल चाहिए जो पहले से मैंने भिगो लिए हैं, और उसके साथ जो उसमें मसाले ऐड होंगे उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, और साथ में ज़ीरा, खुश्क धनिया, खुश्क ज़ीरा और मिर्च, नमक और गर्म मसाला, ये मसाले हम ऐड करेंगे। और प्याज़ मुझे मीडियम साइज़ का चाहिए था तो मैंने हाफ ले लिया। तो जब हमारी यखनी रेडी हो जाएगी तो हम मसाला रेडी करते हैं इसका। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें प्याज डाल दिया है और मसाला बनाने के लिए चावलों का। तो ऑयल डाल के जैसे ये ब्राउन होंगे तो हम इसमें लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे। ये बहुत ही नाइस और बहुत टेस्टी बनता है यखनी पुलाव। इसमें जो तो यखनी का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। प्लीज़ आप बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये लाइट ब्राउन हो रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा डार्क होगा तो हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन डालते हैं, इसमें और हम थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे, और उसके बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे। ये होने के बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। हम इसमें अदरक डालते हैं। ये हमारा हो गया प्याज और अदरक। मसाला भूनने की बहुत नाइस और अच्छी स्मेल आ रही है। ये देखिए व्यूवर्स, अब हमारी यखनी रेडी हो गई है और गोश्त भी रेडी हो गया है। तो हम इससे अब गोश्त निकालते हैं और इसमें डालते हैं। ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है, ये देखिएगा। और अब व्यूवर हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं और इसको ब्राउन करेंगे थोड़ा सा गोल्डन इसमें, और उसके बाद हम तमाम मसाले इसमें डालते हैं। व्यूवर ये बहुत ही मज़े की होती है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें। दुआओं में याद रखें।
अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ये देखिए हमारा गोश्त हो गया है। तो मैं इसमें नाज़रीन आपको व्यूअर्स आपको ये बताना भूल गई थी कि इसमें 2 टेबल स्पून दही भी डलेगा और 1 टीस्पून या 1/4 टीस्पून सिरके का भी। तो चलिए मैं इसमें डालती हूँ मसाला। इसमें डाला इसमें मेरा ही ये देखिए नाज़रीन ये हमारा मसाला बन गया। अब हम इसमें चटनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह हम इसमें चटनी डाल देते हैं। चटनी डालती उतनी डालें जितने चावल मैंने साइज़ कर लिए थे अपने बर्तन में। तो ये मेरे उसके मुताबिक ही मैंने उसको डाला है। जैसे कि अगर आप एक कप चावल हो आपके तो 2 कप पानी डालते हैं, तो मैं 1.5 कप पानी डालती हूँ। मैं 1/2 कप पानी कम डालती हूँ, तो 1/2 कप पानी कम डालिएगा और ये चावल ज़्यादा अच्छे नाइस और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और लंबे लंबे खिले खिले से होते हैं। और अगर आप पानी ज़्यादा कर लेंगे तो चावल थोड़े से बैठ जाए। ये पानी के हमारा उबाल आ गया तो हम अब इसमें चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह तो देखिए व्यूअर्स हमारे चावल खा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें कितने खूबसूरत और कितने प्यारे बन रहे हैं। ये सो टेस्टी बनते हैं माशाल्लाह। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आप देखेंगे बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब जैसे इसका पानी खुश्क होता है तो हम इसको दम पे रखते हैं। ये देखिए व्यूअर्स अब हम इसको दम पे देते हैं। दम लगाने के लिए हम इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाया ताकि इसकी हवा वगैरह बाहर ना निकले। और इसके नीचे हमने तवा रखा है ताकि ये चावल नीचे से जले नहीं। तो पहले हम इसकी आंच तेज़ करेंगे और उसके बाद इसकी हल्की आंच कर देंगे। तो अब थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद हम देखते हैं हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। ये देखें व्यूवर्स हमारे चावल रेडी हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे बने हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, हम इसमें डिश में डालते हैं तो आपको फिर फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स ये हमारी फाइनल लुक आ गई है चावलों की, पुलाव की। ये बहुत ही पुलाव नाइस बनता है जखनी पुलाव। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।